मुल्क बड़ी अच्छी स्क्रिप्टिंग है और बहुत अच्छी तरह से अभिनव सेना ने लिखा गया है और डायरेक्ट किया है। बहुत अच्छी मूवी है और इतनी सॉलिड मूवी है, मुझे नहीं लगता कहीं पे फिल्म बोर करती है। फिल्म इतनी दमदार है। हाँ, पब्लिक थोड़ी कम है क्योंकि कमर्शियल सिनेमा नहीं है, क्योंकि ये दमदार स्क्रिप्ट के ऊपर रिलीजियस पे है। और ये बताने की कोशिश की है कि मुसलमान को हमें आतंकवादी की नज़र से नहीं देखना चाहिए, उनको समझना चाहिए कि हर मुसलमान आतंकवादी नहीं है। कमर्शियल लगा आपको फिल्म में जो आपको हर्ट करता ऐसा कुछ? नहीं, ऐसा कुछ फिल्म में ऐसा कुछ सीन है ही नहीं। हाँ, वो हर किसी की नज़र अलग है, हर किसी का सोचना अलग है, क्योंकि हम मीडिया में हैं और हर किसी का सोचना भी डिफरेंट होता है। मगर ये फिल्म बहुत दमदार फिल्म है और चाहे पब्लिक थोड़ी कम है, मगर ये फिल्म बहुत अच्छी है, फन्ने खान से फार फार बेटर है। अगर एक मैसेज पिक्चर देगी तो वो क्या है, क्या देगी? मैसेज ये दे रही है कि मुसलमान को आतंकवादी नहीं समझना चाहिए और उनकी फैमिली को भी आतंकवादी नहीं समझना चाहिए। कितने स्टार देना चाहिए? मैं आउट ऑफ 5 5 स्टार दूंगा और मैं चाहूँगा ये फिल्म ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें, क्योंकि इस फिल्म की दमदार स्क्रिप्टिंग और एडिटिंग है, जो कि एडिटिंग बाय अब बल्लू सलेजा। बहुत अच्छी दमदार एडिटिंग की है उन्होंने और स्क्रिप्टिंग इतनी मस्त है कि कहीं पे बोल नहीं करती। थैंक यू सो मच, थैंक यू। बहुत अच्छी मूवी है और मौका मिला तो मैं ज़रूर दोबारा देखूँगा। और ये एक मैसेज क्लियर है हम जैसे लोगों को कि अपने बच्चों पे ध्यान रखें और वोट दे के अच्छे लोगों को इलेक्ट करें और एजुकेशन सिस्टम को अच्छा करने के लिए सब कुछ प्रयत्न करें कि अगर एजुकेशन सिस्टम अच्छा रहेगा तो ये प्रॉब्लम्स देश में नहीं रहेगी। परफॉर्मेंस की बात करें तो फैंटास्टिक परफॉर्मेंस, आई गिव 4.5 रेटिंग। परफॉर्मेंस में ऋषि कपूर जी, ऋषि कपूर जी वॉज वेरी गुड, पन्नू वॉज वेरी गुड, इवन आई थिंक ऑल ऑफ देम वर वेरी गुड। इट इज़ नॉट वन, आई थिंक ऑल दी कैरेक्टर्स वर एक्सेलेंटली चोजन। ड्रामा कितना इंटरेस्टिंग था? दैट वॉज द लाइफ ऑफ द मूवी। फर्स्ट हाफ वॉज ओके ड्रामेटाइज, बट सेकेंड हाफ वॉज द लाइफ ऑफ द मूवी। मैसेज दे रही है तो दिया 4.5 out of 5। कैसी लगी फिर? अच्छी पिक्चर है, अच्छा मैसेज देने की कोशिश की है और हम सब समझें इस बात को तो बहुत अच्छी बात है। तो आपस में जो दूसरे एक दूसरे के शक वहम और बहुत सारी चीज़ें लेके बैठे हैं वो ख़त्म हो सकती हैं। एंगल की बात करें, पॉलिटिकल एंगल या रिलीजियस? नहीं, पॉलिटिकल इतना ज़्यादा कुछ नहीं है, दोनों को बहुत जस्टिफाई किया है और बहुत अच्छा भी दिखाया है। मुस्लिम शुरुआत बहुत अच्छी की है और बाद में आके भी रिजल्ट भी अच्छा ही रहा है। कोशिश तो सभी करते हैं कि हम ठीक हैं, हम ठीक हैं, लेकिन दोनों को जस्टिफाई किया है, ये अच्छी बात है। परफॉर्मेंस ऋषि कपूर बेस्ट, देन तापसी पन्नू, आशुतोष राणा, तीनों काम बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा। हाँ, मैसेज बहुत अच्छा है। हमारे दिल में जो दिमाग गलत फहमी है ना, अगर उनको दूर कर लेंगे तो शायद हमारा मुल्क बहुत अच्छा बन सकता है, बहुत अच्छा। फिल्म में कुछ ऐसा कमेंट है या टैगलाइन है जिसकी वजह से किसी की आहत होती है? आप सेंटीमेंट? नहीं, ऐसा नहीं है। बहुत बहुत जस्टिफाई किया, बहुत जस्टिफाई किया। हाँ, 4 स्टार्स। थैंक यू सो मच। गुड। पिक्चर बहुत अच्छी लगी भाई, पिक्चर बहुत अच्छी लगी और पिक्चर अच्छी बनाई है। डायरेक्शन बहुत टॉप क्वालिटी का है। अनुभव सिन्हा है ना? हाँ, अनुभव सिन्हा बहुत ही अच्छा है। ऋषि कपूर की एक्टिंग बहुत अच्छा है, उन्होंने मुस्लिम की एक्टिंग की है और लगते भी है कि बहुत ही अच्छी एक्टिंग की है। फिल्म में कुछ पॉलिटिकल या रिलीजियस एंगल दिखाया हुआ है जिससे किसी की? नहीं, किसी की ठोस पहुँचे ऐसा कोई एंगल नहीं बताया गया है। जो सच्चाई है वो बताई गई है और सच्चाई हम लोग भी जानते हैं। उल्टे दूरी कम करने की डायरेक्टर ने कोशिश की है और वो कामयाब भी हुए। माँ बाप की बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि बच्चा कहीं गलत चंगुल में फंस गया है और कहीं जा रहा है, तो माँ बाप की ड्यूटी है देखना। लेकिन आज समय ऐसा हो गया है कि बच्चा कहाँ जा रहा है किसी को पता नहीं होता है और बच्चा गलत जगह फंस जाता है। ऋषि कपूर की परफॉर्मेंस की बात करें, तापसी की बात करें, तो कितना सही लगा?
ड्रामेटिकली तो ऋषि कपूर लगता ही नहीं है कि वो मोहम्मद नहीं है, और वो मैं दो बार बता चुका हूँ कि तापसी ने तो रियल में कोई अच्छे कोर्ट की माने वकील हो वैसा रोल किया है, और आपको अब तो थोड़े दिन ऐसा ही लगेगा कि ये लॉयर ही है, इतना अच्छा इसने दलील दी है इसमें और बहुत ही अच्छा रोल किया। फिल्म क्या कुछ संदेश देती है? मैसेज ये देता है कि जो धारणा बनाई जाती है वो नहीं होती। इसमें दो तीन बार बोले मुस्लिम आतंकवादी है या आतंकवादी मुस्लिम है, इस चीज़ को क्लियर किया जाता है कि हर आदमी नहीं है, कुछ आदमी तो हर जात में होते हैं, तो कुछ पांच में पांच ही बनते हैं स्टोरी वाइज, स्क्रिप्ट वाइज और एक्टिंग वाइज। बहुत ही अच्छा। बहुत अच्छी मूवी है मुल्क, यानी जो हिंदू मुस्लिम का जो बताया, यानी एक फैमिली को अदालत में घिस के लाते, उनका एक बेटा ऐसा रहता है अंदर ही काम करता है, मगर सब फैमिली वैसी नहीं रहती है, यानी जो सदस्य रहते अच्छा है, यानी ऋषि कपूर का भी काम बहुत अच्छा है अदालत उदा, यानी पिक्चर की स्टोरी बहुत अच्छी है, जैसी मायने में इस खान आई थी शाहरुख खान की, वो टाइप की पिक्चर है, यानी फैमिली एक बार आओ तो तुमको देखने के लिए मिलेगा कि हाँ कि हिंदू या मुस्लिम है, सब ऐसे नहीं रहते, सब मिलजुल के रहो। अगर बात करी जाए कुछ पॉलिटिकल या रिलीजियस एंगल कुछ दिखा मूवी में देखने बिना? नहीं, थोड़ी पिक्चर यानी थोड़ा सस्पेंड टाइप है थोड़ा, यानी तो अच्छी नहीं। क्या कुछ संदेश देती है? यानी मुस्लिम के अंदर जो भी रहते हैं इंडिया के अंदर जो, यानी वो अच्छे रहते हैं, यानी वो पुलिस वाले उनके ऊपर ज़्यादा यानी दबाव ना डाले। थैंक यू सो मच। थैंक यू। फिल्म बहुत ऑसम एंड सबसे बेटर है कि हम उसमें अलग सोच नहीं सकते, इंसानियत के बारे में बताया कि सब अलग नहीं होते, मतलब हिंदू मुस्लिम अलग नहीं होते, सब एक जैसे होते हैं, और किसी को अलग मत समझो, सब एक साथ चलो ताकि बाहर वाले आके हमें प्रॉब्लम में नहीं फंसा के जावे। आपने क्या कहा, बाहर वाले हमें फंसा के नहीं जाए? लाइक बाहर के मतलब जो गलत सोचते हैं हमारे बारे में, लाइक मुस्लिम्स के बारे में गलत सोचते हैं और हिंदूज के बारे में गलत सोचते हैं, क्योंकि हम हिंदू मुस्लिम नहीं सोच सकते, मतलब एक इंसानियत के नाते हम एक दूसरे का साथ दे सकते हैं, जैसा उसमें बताया है कि वो एक हिंदू था वो, जो मतलब वो ऐसा बोल रहा था कि मुस्लिम्स होते हैं जो तुम जैसे, लाइक वो अलग पार्टी में था तो वो बोल रहे थे कि मुसलमान ऐसा करते हैं मुसलमान वैसा करते हैं, तो वैसा नहीं होता है, हमें सिर्फ अपनी सोच बदलनी है इंसानियत की, मतलब बोलते ना एक दिमाग जो फ्रस्ट्रेट हो जाता है तो उसको अलग साइड पर लेकर जाके एक साथ रहो, और मतलब ये मत सोचो कि हिंदू मुस्लिम होता है, बस एक साथ रहो, भाई भाई बन के रहो, दैट्स इट। यानी आपने काफी स्ट्रॉन्ग मैसेज लिया फिल्म से। जी, एक्टिंग अच्छी लगी किसी की? ऋषि कपूर की, तापसी की, एंड बहुत मतलब बहुत से कैरेक्टर थे उनकी एक्टिंग अच्छी थी, पर ऋषि कपूर एंड तापसी बहुत ऑसम, एंड तापसी ने अपना जो रोल निभाया वो सबसे बेस्ट। एक चीज ऐसी क्या है जो लोगों को आके मूवी देखनी ही चाहिए, एक मैसेज ऐसा होगा? ये मैसेज है कि मतलब तुम दूसरों को दुश्मन मत समझो, हमारे साथ रहो, और हर किसी के मुंह पे ये नहीं लिखा रहता है कि वो टेररिस्ट है, सबसे बेस्ट चीज, सबके मुंह पे ये नहीं लिखा रहता, अगर वो मुस्लिम है तो ये उसके मुंह पे लिखा नहीं कि वो टेररिस्ट है, और किसी के ऐसा नहीं रहता कि वो उनको टेररिस्ट बोला नहीं जा सकता, अभी जैसा उसमें मूवी में बताया है कि पूरी फैमिली है, वो एक टेररिस्ट होने की वजह से उनके सबके ऊपर वो दाग लगा कि वो टेररिस्ट है, तो वैसा नहीं होता है कि एक टेररिस्ट की वजह से सबको हम टेररिस्ट बोला। मूवी देखने से मतलब पहले तो हमारा ये था कि मुल्क देखना है, बिकॉज उसका जो था ट्रेलर था उसका, वो देखने के लिए बहुत इंटरेस्टिंग थी मूवी, तो उसके बाद ऐसा लगा कि सच में वो इंटरेस्टिंग थी मूवी। आपके हिसाब से टेररिस्ट का कोई धर्म होता है? टेररिस्ट का कोई धर्म नहीं होता, सबसे बेस्ट तो मैंने इसके लिए यही बोली मैंने सबसे पहले कि फेस पे किसी के लिखा नहीं होता कि वो टेररिस्ट है, तो मैं वही बताना चाहती हूँ कि अगर वो बता रहे हैं कि आप इनके फैमिली वाले हो, तो अगर उसमें से एक मेंबर गलत है तो ऐसा नहीं कि सब मेंबर गलत हो सकते। फाइव में से बटन 4.5। थैंक यू सो मच। थैंक यू। कैसी लगी फिल्म? बहुत अच्छी मूवी थी, बहुत अच्छी मूवी थी, सबको देखनी चाहिए। रिलीजन बेस्ड मूवी थी कि हर मुसलमान टेररिस्ट नहीं होता है, तो मेरे हिसाब से सबको देखनी चाहिए। शायद किसी ना बहुत से लोगों का एक जो माइंड सेट होता है कि हर मुसलमान टेररिस्ट होता है, वो बहुत चेंज हो जाएगा, मुझे ऐसा पर्सनली लगता है, क्योंकि
अब हम लोग को तो पता ही है, लेकिन जो ऐसा मानता है उन लोग का चेंज हो सकता है आई गेस। परफॉर्मेंस की बात की जाए तो तापसी पन्नू औसम थी, ऋषि कपूर मोर देन औसम था, बहुत अच्छी एक्टिंग की, जितने भी एक्टर थे सब ने बहुत अच्छी एक्टिंग की। बेस्ट पार्ट क्या है मूवी में? बेस्ट पार्ट यही है बताया गया है, जो पोर्ट्रे किया गया है कि हर मुसलमान टेररिस्ट नहीं होता है, जैसे कहीं भी बम ब्लास्ट होता है कुछ ऐसा होता है तो हर जगह मुस्लिम लोग को या पाकिस्तानी से लोगों को इंटरमीडिएट करके कि इन लोगों ने किया होगा, वो नहीं करना चाहिए, यही पोर्ट्रे किया गया है मूवी में और यही मान के चलना चाहिए। क्या लगता है कितनी सोच बदलेगी लोगों की? सोच तो जहाँ तक मैं जानता हूँ कि लोगों का एक माइंड सेट हो ही गया है कि हर मुसलमान टेररिस्ट होता है, तो जहाँ तक मैं समझता हूँ ना तो ज़्यादा लोगों की थिंकिंग चेंज नहीं होने वाली है। अगर कोई लिटरेट बंदा होगा, समझदार बंदा होगा, खाली लिटरेट होने से मैटर नहीं करता, कोई समझदार होगा तो शायद वो अगर थोड़ा उसका माइंड सेट चेंज हो तो हो, लेकिन मैक्सिमम लोगों का तो नहीं होगा, वो लोग बस मूवी देख के एट द एंड ऑफ द डे। भी क्या लगता है कब ये माइंडसेट चेंज होगा? बहुत डिफिकल्ट है आई गेस, मैं तो इतने साल से देखते आ रहा हूँ तो मुझे तो ऐसा कुछ लोगों में, क्योंकि आज तक मैं कॉलेज के स्टूडेंट पढ़े लिखों को भी देखते आ रहा हूँ जो लिटरेट बनते सोशल नेटवर्किंग साइट पे फेसबुक पे, उन लोग भी यही करते हैं, लाइक हिंदू मुसलमान का चलते ही रहता है, तो मुझे लगता नहीं ये कभी ख़त्म होने वाला। अगर ऐसी मूवीज़ बनती रही तो शायद लोगों का कुछ माइंडसेट चेंज होता है आई गेस। ये मूवीज़ हाँ ऐसी मूवीज़ आना चाहिए रिलीजन बेस्ड। आई वुड लाइक टू गिव 4-4.5। मूवी बहुत अच्छी थी और मूवी जो मैसेज देना चाहती थी आई थिंक सो मैसेज अच्छे से पहुंचेगा लोगों के दिमाग तक और दिल तक भी, क्योंकि ये मोर ऑफ दिल से मूवी है, अगर आप देखोगे तो दिल से ज़्यादा मूवी बनी हुई है और बहुत अच्छी मूवी है। अगर हर पाकिस्तानी टेररिस्ट होता और हर मुस्लिम अगर टेररिस्ट होता तो मतलब बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती, लेकिन वो मूवी में बताया कि हर मुस्लिम और हर पाकिस्तानी टेररिस्ट नहीं होता, जो हमें बिलीव करना चाहिए। ओके मूवी आप स्टार्टिंग में जब देखोगे तो मतलब एक्सप्लेन करने जाती है कि कास्ट वाइज पहले सब अच्छा होता है, सब कुछ गुड गुड होता है मूवी में, और फिर उसके बाद जब बुरा वक्त आता है तो कुछ लोग ही जो साथ देते हैं। अब जब आप देखोगे मूवी तो उसमें ऋषि कपूर का एक फ्रेंड है जो मतलब एंड तक उसका साथ देता है, लेकिन वो नॉन मुस्लिम होता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है हम किस साइड जाना चाहते हैं, ये हमारी चॉइस है कि हमें हिंदू साइड जाना है मुस्लिम, लेकिन ये हमारी चॉइस होने से पहले ये है कि इंसानियत पहले आती है, हम पहले नोटिस करें क्या गलत है और क्या सही है। जिस दिन हम ये नोटिस करेंगे कि हमारे लिए गलत ये सही है, तो उस दिन हमें कंट्री में हिंदू मुस्लिम का विवाह तो होगा ही नहीं। डेफिनेटली आई होप फॉर बेस्ट, बिकॉज ये मूवी बहुत ज़्यादा अच्छी है और लोगों को देखना चाहिए जाके, क्योंकि लोग जब देखेंगे तो वे ऑफ थिंकिंग उनका चेंज होगा। बहुत ज़्यादा इम्प्रेस कर पाए और जिस हिसाब से उन्होंने मैसेज देने की कोशिश की है, आउट ऑफ अगर 100 देखा जाए तो 99% उन सक्सेस भी है मैसेज देने के थ्रू, क्योंकि जब वो एक्टर्स जो होते हैं वो ही हमें बताते हैं कि हमारी रियल लाइफ में क्या बेस है, राइट। तो जब हम एक्टिंग देखते हैं तो कहीं ना कहीं ये नहीं कि हम जब थिएटर में बैठे रहो तो हमें अच्छा फील हो और फिर उसके बाद बाहर आके हाँ फिर ऐसा हो गया, ऐसा नहीं है, हम वो चीज़ को आगे लेके जाए अपनी रियल लाइफ पे भी वो कंटिन्यू करें। आउट ऑफ 4 आउट ऑफ 5 आई कैन गिव 4.5। वेलकम।